कल दीपावली और आज छोटी दीपावली, पूरा देश खुशियों में डूबा है, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल भगवान राम की नगरी अयोध्या में है। 5.5 लाख द्वीपों के अद्भुत अलौकिक दीपोत्सव ने अयोध्या को खास बना दिया है। ऐसा लग रहा है मानो इससे पहले अयोध्या इतनी सुंदर कभी नहीं सकी। ये आसमान में आतिशबाजी की ये तस्वीरें देखिए और इसे देखकर उस घोषणा को भी सुनिए जो यहाँ कहा जा रहा है कि कीर्तिमान रच दिया गया है। कीर्तिमान यहाँ पर रच दिया गया है और उसी के सेलिब्रेशन के तौर पर यहाँ आपको आसमान में रंगीन आतिशबाजी इस समय नजर आ रही है। ये आतिशबाजी और भारत माता की जयकारे इसीलिए लगाए जा रहे हैं इस पर क्योंकि सारे जो वॉलंटियर्स थे यहाँ पर, हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स थे, उनको मुबारकबाद दी गई है। उनसे कहा जा रहा है कि उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है और विश्व कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया है। दुनिया में उनका नाम जो है वो दर्ज हो गया है। यूं तो इससे पहले भी हुआ था लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर एक नया कीर्तिमान यहाँ पर रचा गया है। और इस बात को इस चीज से समझिए कि अगर गिनीज बुक में वो रिकॉर्ड डाला जाता है, वो आंकड़े डाले जाते हैं, यही कारण है कि दूर देशों से सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ दीपोत्सव देखने के लिए, सिर्फ अयोध्या में दीपोत्सव की उस झलक के लिए, जिसे देखकर वो ये समझ पाए कि आखिर दीपावली होती क्या है। दीपावली का स्वरूप भले ही इतने सालों में बदला हो लेकिन उन दीपों का मुकाबला कभी भी वो जो बिजली की लड़ियां होती हैं वो कर नहीं पाती हैं। ऐसे पंक्तिबद्ध दीपों को देखकर कोई ऐसी चीज नहीं है जो तस्वीरों में इतनी अद्भुत लगे, इतनी अलौकिक लगे। अयोध्या के इस राम की पैड़ी घाट पर अब आप देखिए कि लोग नाच गाकर जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं क्योंकि 24 तारीख से लगातार इनकी मेहनत जारी थी। एक तरफ आसमान में आतिशबाजी और दूसरी तरफ अभी भी घाट पर सरयू किनारे दीपों को अपने हिसाब से प्रज्वलित करते लोग कि कम से कम जितनी देर रात तक ये दीप जलते रहें, प्रज्वलित रहें, तब तक वो इन्हें निहार सकें। अयोध्या वासी जो हैं, जो दूर दूर रहते हैं, अब तो फैजाबाद जिले को भी खैर अयोध्या ही कहा जाता है, वो सब यहाँ पर आते हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर के इलाकों में, किसी के छत पर, किसी घाट किनारे सब खड़े होकर ये देख रहे हैं कि कैसा दिखता है दीपोत्सव। और तब जब उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मंच पर उनके होते हैं, आतिशबाजी लगातार सरयू के एक घाट से चल रही है। मानवीर इधर आइए, जो हमारे जो स्थानीय संवाददाता है, ये सरयू के दूसरे तट से हो रही है। ये सरयू के उस तरफ, ये वो एरिया पड़ता है गोंडा, लेकिन आतिशबाजी का जो जश्न है वो अयोध्या में मनाया जा रहा है।
क्योंकि अयोध्या आज बड़ा खास है, खास तौर पे इसलिए कि राम लक्ष्मण सीता इसी दिन अयोध्या आए थे, इसीलिए उन्हीं के आने की खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है। इसलिए अयोध्यावासी जितने उत्साहित हैं दीपावली को लेके, बाकी घाटों पर भी दीपों को जलाया गया है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि भरत जी जहाँ पे तपस्या करते थे खड़ाऊ रखकर 14 साल तक, जहाँ राम से उनकी पहली मुलाकात हुई थी उस भरतकुंड में, जहाँ राम ने अपने अंतिम प्राण किए थे गौरी गुप्तार घाट पे, और यहाँ पे और 20 किलोमीटर पूरी अयोध्या रेंज में इसी तरह की दीपावली मनाई जा रही है और लोग कहीं बहुत खुश हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये भी कि कहीं ना कहीं उसमें वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाले जजमेंट का उत्साह भी शामिल है, उनका उत्साह शामिल है। चलिए धन्यवाद, ये आसमान की तरफ ही हम देखते रहना चाहेंगे कुछ देर, क्योंकि भले ही बादलों का डेरा है आसमान में, लेकिन और आज से नहीं कल सुबह से रह रह कर बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन उसके बीच ये जो आतिशबाजी हो रही है सरयू तट की दूसरी ओर से, वो आसमान को रंग दे रही है और उन सितारों की कमी को कम से कम महसूस अभी नहीं होने दे रही है। एक आतिशबाजी के साथ आसमान में उतरते वो सितारे और एक सरयू के तट पर टिमटिमाते दीप जो नन्हे सितारों से कम नहीं लग रहे हैं। आतिशबाजी यहां पर रह रहकर अभी चलेगी, लेकिन अभी आतिशबाजी ये पूरी हुई है, भजन चलाए जा रहे हैं, लोग उस पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, छोटी दीपावली के दिन बड़ी दीपावली के तौर पर ये जश्न मना रहे हैं सभी लोग। और अभी देखिए ये जो युवा है वो अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज देर तक दीपावली का इनका जश्न मनेगा। वैसे भी परंपरा तो यही कहती है कि दीपावली से पहले दीपावली का जश्न कुछ इसी तरीके से मनाया जाता है। सब चाहते हैं कि किसी तरीके से इस लम्हे को तस्वीरों में कैद कर लें, किसी तरीके से वो सरयू के इस तट पर इस लम्हे को, इस घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में बसा कर रख लें। और जैसा कि लोग हमें बता भी रहे हैं कि आज जो दीपावली का दृश्य वो देख रहे हैं, मुमकिन है कि त्रेता युग से भी ज्यादा सुंदर वो तस्वीरें यहाँ पर रहे। इस घाट को वाकई देखते जाइए अगर एक तक, तो आपको वो जोश वो उत्साह लोगों का साफ साफ अभी भी उमड़ता नजर आएगा। और ये सुबह 9 बजे से सारे लोग पहुंच गए थे यहाँ पर जो दीपावली का जश्न मना रहे। नीचे आइए, यहाँ आइए, आप लोग इधर आइए। लोगों को जहाँ जगह मिल रहा है वो सारे लोग, वो सर, अच्छा आसाम से। आप लोग कहाँ से? हम लोग यहीं अयोध्या से हैं। अयोध्या से? जी जी। ऐसा जो आज हो गया पूरा वो कीर्तिमान? हाँ, ये कीर्तिमान हो गया और ऐसा हमको लगता है कभी भूत और भविष्य में होगा नहीं। हाँ। योगी जी ने ये जो किया है बहुत बढ़िया काम, बहुत सुंदर। आज पूरा विश्व हमारे अयोध्या को देख रहा है। हाँ। आज जो भी न्यूज चैनल खोल के देखो सब अयोध्या का गान कर रहे हैं, अयोध्या को दिखाना चाह रहे हैं। काफी विदेशी मेहमान भी आए हैं। हाँ, विदेशी मेहमान भी आए हैं, सब हमारी भारतीय सभ्यता को देख रहे हैं। आज मानो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम वनवास से लौट करके आए हो, हम सब स्वागत में खड़े हैं। योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना है। आप क्या बोल रहे थे? मैं मैडम आसाम से आया हूँ, आसाम डिब्रूगढ़ मेरा शहर है। मैं दीपावली दीपोत्सव देखने के लिए अयोध्या आया हूँ इतनी दूर। चलो आइए, आप आइए, एक एक करके आप लोग आते रहिए क्योंकि कैमरा अब हमने फिक्स कर दिया है। जी, आप भी अयोध्या से हैं? जी मैम। आपने क्या योगदान दिया आगे? मैंने 500 दिए अकेले जलाए हैं। अकेले? और सुबह हम लोग 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। हाँ। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के छात्र हैं और MBA कर रहे हैं। हाँ। 9 नंबर घाट पे। सबसे ज्यादा किसने जलाए होंगे दिए? सबसे ज्यादा जलाया है 10 नंबर घाट ने, 52,000 दिए। 52,000 दिए जलाए। IIT के छात्र हैं। हाँ। BTech छात्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। तो सब अपना टेक्निक लग रहा है वहाँ पर भी इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए, आप यहाँ पर घूमने आए हैं? जी जी, मैं घूमने आया हूँ, अमेठी से आया हूँ। अच्छा जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अमेठी के तुलना में अमेठी में भी कुछ ऐसा करिए? अमेठी में तो बहुत कुछ है ऐसा नहीं है। हाँ। और भगवान श्री राम सबके हैं, किसी किसी जात विशेष या किसी पार्टी के नहीं है, ठीक है ना। और आज बहुत अच्छा लगा भव्य आयोजन जो है देख के, और जिन जो लोग इसे करता धरता है सबको हमारी तरफ से साधुवाद। हाँ। और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे जो है बहुत जी, अच्छा जी। आप स्टूडेंट हैं? आप वॉलंटियर स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट ही हैं, यहीं पे पढ़ते हैं और बस्ती के हैं हम। हाँ। जी, क्या किया आज यहाँ पे? हमने सुबह से ही हम यहाँ पे हैं।
और बहुत सारे दिए जलाए। किस घाट पे, किस नंबर पे थे? ये नंबर 5 पे, नंबर 5 पे थे आप। आप भी जला रहे थे दिए? यस मैम। क्या कैसा लग रहा है, कीर्तिमान घोषित हुआ तो? मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि ये है कि अयोध्या हमारे एक विश्व पर्यटन पे गया है और यहाँ के देश विदेश के लोग आके यहाँ पे एक उस पे मुद्रक करेंगे और यहाँ पे विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। जैसे आज का दिया गया 551,000 ने, और आगे उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा हम लोग फिर रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद करेंगे फिर से। जिसलिए जय श्री राम और जय अयोध्या। चलिए हम आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या से आप ये खास कवरेज देख रहे थे। वापस लौटते हैं। हरियाणा और बीजेपी और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की साझा सरकार बनने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। कांग्रेस ने इसे अपवित्र गठबंधन करार दिया। आखिरकार दुष्यंत चौटाला ने खुद को किंग मेकर साबित कर ही दिया। हरियाणा में अगली सरकार उनके समर्थन से ही बन रही है। चंडीगढ़ में राजभवन से बाहर आते ही मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान कर दिया। सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा 7 निर्दलीय विधायक, ऐसे कुल मिलाकर 57 विधायकों का ये जो दल है, एक सरकार बनाने का हमने दावा पेश किया, उसको राज्यपाल महोदय ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है अगली सरकार बनाने का। नई सरकार में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रविवार को कुछ मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। खबरों के मुताबिक जेजेपी को 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद का वादा किया गया है, लेकिन दोनों नेताओं ने इस पर कल तक इंतजार करने को कहा। 2:15 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री, ये शपथ तो अभी से बता दिया गया है और जिन जिन मंत्री परिषद में लोगों को विधायकों को शामिल करके मंत्री बनाया जाएगा वो कल ही जानकारी दी जाए। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में अब बीजेपी के पास 57 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी ने चुनावों में 40 सीट पर दर्ज की। जेजेपी से समर्थन के बाद ये संख्या 50 पार पहुंची। इसके अलावा उसके पास 7 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़ा 57 हो जाता है। बीजेपी ने गोपाल कांडा से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। वहीं INLD के अभय चौटाला का समर्थन भी पार्टी नहीं लेगी। कुंबे से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले दुष्यंत पहली ही बार में डिप्टी CM बनने वाले हैं। उन्होंने जनादेश के खिलाफ जाकर बीजेपी से हाथ मिलाने के कांग्रेस के आरोपों का कुछ इस तरह जवाब दिया। इन्होंने सत्ता में रहने के लिए कुछ भी किया और जो पार्टी इनके सामने लड़ी उनको साथ इनके नहीं जाना चाहिए था, जो इंडिपेंडेंट हैं उनको इन्होंने उठाया, तो केवल सत्ता की भूख है जो राजनीति जो अब की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या हमने कांग्रेस के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था? ये जनादेश तो कांग्रेस के भी विरुद्ध जनता ने हमें दिया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब दीपावली के शुभ दिन 2:15 बजे बीजेपी और जेजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दुष्यंत चौटाला के लिए इस दिवाली पर डबल खुशियां आई हैं। हरियाणा में डिप्टी CM की कुर्सी मिलने के साथ पिता अजय चौटाला को भी राहत मिली है। अजय चौटाला को दिवाली के दिन यानी कल तिहाड़ जेल से 14 दिनों के लिए रिहा किया जाएगा। बेटे को हरियाणा में सत्ता की गद्दी मिली तो पिता की भी किस्मत का ताला खुल गया। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला के लिए तिहाड़ के दरवाजे खुल गए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अजय चौटाला को 2 हफ्ते के लिए फरलो यानी जेल से छुट्टी मिल गई है। बताया जा रहा है कि अजय चौटाला को ये फरलो जेल में अच्छे आचरण के लिए दिया गया है। देखिए वो अकॉर्डिंग टू रूल मिल रही है और अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था इसलिए उनको नहीं मिल पाई थी। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटा है तो वो उनके अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं उनके हिसाब से मिला है।
शुक्रवार को ही दुष्यंत चौटाला ने पिता अजय चौटाला से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। हरियाणा विधानसभा में 10 सीट जीतने वाली जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार रात होते होते बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। बीजेपी के साथ डील में अपनी पार्टी के लिए डिप्टी सीएम का पद भी हासिल कर लिया, यानी 24 घंटे में सारे समीकरण दुष्यंत चौटाला के पक्ष में आ गए। घोटाले में बंद जेजेपी के फाउंडर नेता अजय चौटाला को आखिरकार 2 हफ्ते की परलो मिल गई है। अब वो रविवार की सुबह तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और अपने परिवार के साथ वो दीपावली मनाएंगे। अजय चौटाला की पार्टी जेजेपी ने हरियाणा इलेक्शन में 90 में से 10 सीट पर जीत हासिल की थी और अब दीपावली पर उनको ये तोहफा भी मिल गया है। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हैं। हरियाणा में जूनियर बेसिक ट्रेंड यानी जेबीटी टीचर भर्ती घोटाला मामले में अजय चौटाला को जेल जाना पड़ा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के साथ अजय चौटाला को 2013 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस घोटाले में 55 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। फिलहाल तो जेजेपी के लिए खुशियों का पल है। दिवाली के मौके पर दुष्यंत चौटाला को डबल गिफ्ट मिला है। हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला परिवार की किस्मत बदल दी है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से मुनीश पांडे और पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा में बीजेपी ने गोपाल कांडा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। चौतरफा किरकिरी के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लेगी। कांडा की हवा हवाई 24 घंटे में ही निकल गई। हरियाणा से चला ये चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में तो लैंड किया, लेकिन गोपाल कांडा की सियासी लैंडिंग बीजेपी के रनवे पर नहीं हो सका। कांडा की हरियाणा में सत्ता की मलाई खाने की सारी हसरतें धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने साफ कर दिया कि सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी से विधायक चुनकर आए गोपाल कांडा का समर्थन लेने का सवाल ही नहीं। अभी 7 विधायकों का जो मिला है उसमें बता दिया हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक और महामंत्री जी ने कि उनका कोई समर्थन पत्र अगर मिलेगा भी तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में जब बीजेपी को 40 सीटें मिली तभी से कांडा के समर्थन का सिक्का सियासत में उछलने लगा। गोपाल कांडा ने बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया तो सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष से लेकर बीजेपी के घर में ही कांडा के समर्थन के खिलाफ आवाजें उठने लगी। उमा भारती ने दो टूक कह दिया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने लेकिन कांडा के समर्थन से नहीं। उमा ने इसके लिए नैतिकता की भी दुहाई दी। उधर विपक्ष तो पिल पड़ा, कांडा के काले कारनामे का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। गोपाल कांडा का मुद्दा भी काफी है, बीजेपी समर्थन की बात लेने की बात ये तो सारी बातें दुनिया के सामने आई हैं कि कैसे उन्हें उठाया गया और फिर अब कैसे ये इनके बीच में बात चल रही है, अब दुनिया देख रही है ये सारा ड्रामा। विपक्ष के इस हो हंगामे को बीजेपी ने एक झटके में ही थाम लिया। बीजेपी ने जेजेपी से हाथ मिलाकर सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए, साथ ही ये भी कह दिया कि उनके साथ निर्दलीय भी हैं लेकिन गोपाल कांडा नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है, दैट्स ऑल द मैटर इज देयर। दरअसल गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा आरोपी है। इस केस में वो तिहाड़ की भी हवा खा चुके हैं। 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कांडा ने जीत दर्ज की थी और हुड्डा सरकार में मंत्री भी रहे। 2012 में उनकी एयरलाइन कंपनी MDLR में एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने जब खुदकुशी की तो बवाल मच गया। गीतिका के सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम था। यही सुसाइड नोट कांडा के लिए जी का जंजाल बन गया। गोपाल कांडा को ना कह के हरियाणा बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। एक तो उसने साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके साथ वैसे लोग नहीं जिन पर संगीन इल्जाम है, साथ ही बीजेपी ने विपक्ष का भी मुंह बंद कर दिया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ गई है। मातोश्री में विधायकों की बैठक के बाद शिवसेना ने फैसला किया कि जब तक बीजेपी ढाई साल तक शिवसेना और बीजेपी के सीएम फॉर्मूले का लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवसेना अड़ गई है। विधानसभा चुनावों में जीत कराए सभी 56 शिवसेना विधायकों की मातोश्री में बैठक हुई। बैठक के बाद शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने साफ कर दिया कि जब तक बीजेपी
ढाई ढाई साल शिवसेना और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन लिखित में नहीं देती तब तक सरकार नहीं बनेगी। जो 50-50 का फॉर्मूला, मुख्यमंत्री पद अढ़ाई अढ़ाई साल और बाकी के खातों का बंटवारा जो तय हो गया, वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने लिखित स्वरूप में आदरणीय उद्धव जी को देना चाहिए और उसके बाद में ये सरकार स्थापन होगी। मगर तब तक ये सरकार स्थापन नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो वादा पूरा करना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।